ऑन माय यूट्यूब चैनल इट्स एरो टाइम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक नया टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपकी मेरे साथ पहली मुलाकात है, फर्स्ट इंट्रैक्शन है आपका मेरे साथ, तो मैं चाहूँगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ऑल, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे वीडियोस के रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग जो भी आपकी क्लासेस हैं, क्लासेस का स्केड्यूल है, कौन सी क्लासेस आती हैं, वो सब। राइट, थोड़ी सी बात करते हैं आगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने जब शुरुआत की थी तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था वर्ब बेसिक, चैप्टर 2 पढ़ा था वर्ब एडवांस, चैप्टर 3 पढ़ा था टेंस, चैप्टर 4 हमने कंप्लीट किया है अभी हाल फिलहाल में कंडीशनल सेंटेंस। अगर आप भी एक परफेक्ट ग्रामर को सीखने की चाहत रखते हैं, चाहे वो किसी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे ऐसे ही आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट हो, तो आपको करना क्या है, वर्ब बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, डे 1 से एक एक बात देखनी है, वीडियो को बिना स्किप करे देखना है, एक एक बात अच्छे से समझनी है, नोट्स बनाने हैं नोटबुक के अंदर जो जो मैं पढ़ा रही हूँ, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नोटबुक आपके हाथों में होगी। अब मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, किसी दिन आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास कितनी सारी इंग्लिश की बुक्स हैं और जिसको मैंने पढ़ के यहाँ तक मैं पहुँची। तो मैं किसी नोट्स से जो पढ़ाती हूँ वो मेरे खुद के ही नोट्स हैं। आप मुझसे बोलते हैं मैम पीडीएफ भेज दिया करो, तो एक बात बताऊँगी, जब आप खुद से लिखोगे, अपनी खुद की भाषा में नोट्स तैयार करोगे, तो वो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, आपको समझ आती हैं चीज़ें, क्योंकि पीडीएफ फीस रखी रहती है मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, पीसीज में, हम पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए देखो, हमेशा एक बात याद रखना, मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर से कहूँगी, अधूरे मन से किया गया प्रयास कभी सफल नहीं होता, अधूरे मन से किया गया प्रयास कभी सफल नहीं होता। अगर प्रयास हो ही रहा है तो पूरे मन से होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदलती नहीं है बेटा जी, किस्मत बदलती नहीं है, बदली जाती है, किस्मत बदली जाती है, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं और बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से, अपनी लगन से, दृढ़ निश्चय के साथ, रेगुलरिटी रखकर, डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ना है। जो भी आपने टारगेट सेट किए हैं अपनी लाइफ में, चाहे मैं बात करूँ सीजर से, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगना, देखो लाइफ में 3 चीज़ें जिसको मिल गई ना, उसकी ज़िंदगी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता उसको। क्या? सबसे पहले अच्छी किताबें, दूसरा सही मार्गदर्शन, और तीसरा गुरु मेंटर, अगर उसका साथ मिल जाए और किताबों का और मार्गदर्शन सही तरीके से हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो SSC सीजल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, चाहे वो आप SSC CHSL के लिए कर रहे हैं, SSC MTS, SSC STENO, SSC CPSI, अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनना, सितारे 2 स्टार लगाना वर्दी पर, चाहे वो बात करूं दिल्ली पुलिस की, चाहे CSF की, चाहे CRPF की, BSF बटालियन फोर्स के लिए, तो आपको क्या करनी होगी, CAPF की तैयारी। और मैं आपको बहुत ही क्लियर करती चलूं कि 250 नंबर की इंग्लिश है बेटा, तो आप मुझे तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आई एम अ फैकल्टी ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज, आई टीच इंग्लिश ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इट्स माई ओन यूट्यूब चैनल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स, इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर SSC CGL और एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम विच कंडक्ट SSC, जो भी SSC एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। SSC एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे कर सकती है, नहीं कर सकती, कोई ना कोई वेंडर होता है, जैसे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि एग्ज़ाम को प्रोवाइड कराती है, या मैं बात करूँ आपका असिस्टेंट कमांडेंट FCAT पेपर होता है, AFCAT CAF, आपकी बात करते हैं NDA का, NA का, जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में इंग्लिश आती है 350 मार्क्स की, CDS कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इंग्लिश का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमको इंग्लिश पढ़ने तो पड़ेगी, मगर अगर हम उसको स्टार्ट करें और फिर बीच में लीव कर देते, गलत बात है। और अगर आपको कहीं पर भी इंग्लिश समझ नहीं आई, या आप कभी एरर फाइंड कर ही नहीं पाते, आप इम्प्रूवमेंट को फाइंड नहीं कर पाते, तो मैं आपसे वादा करती हूँ
आप अपना मार्क्स इंग्लिश में बढ़ते हुए देखेंगे अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको समझा पा रही हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को रेगुलर देखना है, पढ़ना है। और इस प्लेटफॉर्म की एक सबसे खास बात यह है बेटा कि आपका जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में, आप जो भी डाउट कहते हैं, जेन्युइन डाउट होना चाहिए रिलेटेड टू स्टडी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई विल रिप्लाई यू विद इन 48 आवर्स, माई टीम विल रिप्लाई यू, बट यू विल हैव टू वेट फॉर 48 आवर्स। 48 घंटे मीन्स 2 दिन का समय दीजिए, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज, तो हमको थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेरीज को सॉल्व करने में। और अगर लगेगा कि आपसे नहीं हो पा रही बात, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी दे दूंगी व्हाट्सएप पर। कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, मैसेजेस करिए, आप वेट कीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और ईमानदारी से पढ़ते चले जाइएगा। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम पे चैनल है इंग्लिश विद अलीशा मैम को ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगी PDF। अभी तो थोड़ी देर पहले कह रही थी PDF नहीं मिलेगी, PDF आपको मिलेगी, बट वहाँ पर जो हमें, क्योंकि वकैब भी तो आता है ना पेपर में, और वकैब याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है बेटा। आप वकैब के सेक्शन खोल के देखिए एक बार प्लेलिस्ट के अंदर जाके, मैं सारा वकैब खुद से याद करा रही हूँ क्लास के अंदर। और मैंने बोला है वकैब लर्न मैम याद कराएंगी, और ये वकैब 101% आपके एग्ज़ाम में आएगी। तब जब मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, तो एक बार पढ़ के ज़रूर देखिएगा, आपको ये चीज़ समझ आएंगी कि एक्चुअल में मैम जो कह रही है क्या वो वर्थफुल है, क्या मैम सच बोल रही हैं। आप मुझे क्रॉस चेक कर सकते हैं, शायद कोई टीचर यूट्यूब पर नहीं होगा जो आपको बोलेगा मुझे क्रॉस चेक करो, बट मैं आपको ओपनली चैलेंज देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझको पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या कंटेंट है, राइट? तो उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। बिल्कुल Day 1 से शुरू कीजिएगा, वहाँ पर आपको होमवर्क सीरीज मिलेगी, PDFs के क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस सेशन भी मैं स्टार्ट करूँगी आपके साथ, टॉपिक हो गया फिर प्रैक्टिस, फिर टॉपिक हो गया प्रैक्टिस, पहले यहाँ पर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाए, फिर इस टॉपिक्स की क्या करेंगे, 4-5 टॉपिक पढ़ के 4-5 टॉपिक का प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। जैसे कि आपको पता है मैंने आपसे बोला कि केडी कैंपस Volume 1 को मैं सॉल्व कराऊंगी आपके साथ, और आप देखेंगे कि इतने इंटरेस्टिंग वे में हम सीख पाएंगे जितना आपने पहले कभी सीखा नहीं होगा। बट उससे पहले मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपसे कि आप ये 4 टॉपिक पढ़ के आए होंगे आज की क्लास लेने के लिए। जैसे आप देख पा रहे हैं आज हमारी क्लास 1 है और हमारा चैप्टर 5 है क्वेश्चन टैंक। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक इन दिस क्लास। देर इज फर्स्ट क्लास ऑफ द टॉपिक दैट इज क्वेश्चन टैंक, सो लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। सो बिना देर के स्टार्ट करूँगी अपनी क्लास को, लेक्चर पूरा हिंदी में दूंगी ताकि आपको समझ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को तो ठीक है समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत, बट हिंदी मीडियम वालों को भी तो साथ लेके चलना है, क्योंकि हम जब सबको साथ लेके चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करती हूँ अपनी क्लास को, फटाफट से एक बार इसको चीज़ों को समझिएगा और छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करते जाइएगा। और उसके बाद अगर आपको आज तक कभी क्वेश्चन टैग समझ नहीं आया, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपको क्वेश्चन टैग बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, देखिएगा एक बार। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं हम पढ़ने वाले क्या हैं, आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है ना, पहले इसकी लैंग्वेज में समझें, तो इट इज़ द स्मॉल क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है दैट यूज, जो इस्तेमाल किया जाता है एट द एंड, आखिरी में ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के, टू शो कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए। क्या लिखा? इट इज़ द स्मॉल क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है दैट यूज, जो इस्तेमाल किया जाता है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल किया जाता है शो करने के लिए, क्या? कन्फर्मेशन। समझते हैं। अब देखो, जैसे सपोज बोला आपने मम्मी खाना बना रही हो क्या, फिर आप एक क्वेश्चन पूछते हो नहीं बना रही क्या, सेंटेंस कैसा था, मम्मी खाना बना रही हो क्या, फिर आपने नेगेटिव में पूछा नहीं बना रही क्या, भाई तो बाहर जा रहा है क्या, फिर बोलते हो नहीं जा रहा क्या, मम्मी आप कपड़े नहीं धो रही क्या, धो रही हो क्या, था ना, आपने खाना खा लिया क्या, नहीं खाया क्या, आपने वाला टॉपिक पढ़ लिया, नहीं पढ़ा क्या, मैम मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है,
पढ़ लिया क्या? तो जब आप कोई पॉजिटिव बात बोलते हो तो कन्फर्मेशन के लिए नेगेटिव बात बोलते हो, आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलते हो तो कन्फर्मेशन के लिए पॉजिटिव बात बोलते हो, कन्फर्म करने के लिए। भाई तुमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया क्या? फिर कन्फर्म कैसे करोगे? अबे नहीं पढ़ा क्या? मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया क्या बेटा जी? नहीं पढ़ाया क्या? तो आप देख पा रहे हैं जो हिंदी निकल रही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, नेगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। तो ये कोई रटने वाली तो बात नहीं है। रटने वाली है क्या बात? खुद से बताइए। मैंने टेंस पढ़ लिया है ना? मैंने टेंस पढ़ लिया है क्या बोल सकती हूँ? क्वेश्चन हमेशा सामने वाले से पूछा जाता है बच्चों। जब सामने वाले से तो मेरी तो बात नहीं होगी। आपने क्वेश्चन टैग पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा क्या? तो यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है, अगर आप समझ पाए तो, जो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखवाऊँ तो क्या लिख सकते हैं हम? अगर हमारा कोई सेंटेंस है मेरे बच्चों और हमको बताना है क्या क्वेश्चन टैग, तो अभी मैंने बोला ये रटने वाली बात नहीं है। वी डोंट नीड टू मग अप द थिंग्स। हमें कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ों को रटने की। चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझिए, सब कुछ समझ आएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव बनाइएगा या फिर किसी स्टेटमेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए रहा एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू अमेरिका। वो अमेरिका जा रही है? नहीं जा रही है क्या? इज़न्ट शी? पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बना। शी इज़ नॉट गोइंग टू अमेरिका। वो अमेरिका नहीं जा रही क्या? जा रही है। इज़ शी जा रही है क्या? ए तो मार्केट नहीं जा रही क्या? जा रही है क्या? तो आप कैसे ऐसे बोलते हो लोकल लैंग्वेज के अंदर? तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। थोड़ा सा आगे की तरफ पढ़ते हैं। देखो हमेशा ना चीज़ों को बहुत इजीली बनाया करो, चीज़ें समझा करो कि किस तरीके से करना है, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें कि किस तरीके से वर्क करना है। एक काम करो, पहले इसका फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं से उम्मीद कर रही हूँ उसको आप लिख लेंगे। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे। जो आपका सेंटेंस का टेंस होगा वही क्वेश्चन टैग का होगा। क्या बोला? जो आपका सेंटेंस का टेंस होगा वही क्वेश्चन टैग का टेंस होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट होता तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में बनेगा। इसका मतलब कि अगर हमारा जो क्वेश्चन टैग है, क्या बेटा जी क्वेश्चन टैग एंड आपका सेंटेंस किस में होगा? सेम टेंस में होगा। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन टैग और टेंस हमेशा सेम टेंस में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, अब क्वेश्चन किससे पूछोगे? क्वेश्चन पूछा सामने वाले से। सामना वाले कौन? तू कर रहा है क्या? आप कर रहे हो क्या? वो जा रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे क्या? मतलब प्रोनाउन की बात हो रही है। अगर नाम भी दिया होगा तो भी हमेशा क्वेश्चन टैग बनाते वक्त, व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन टैग क्वेश्चंस वी शुड यूज एग्जैक्टली द प्रोनाउन नॉट अ नाउन। हमको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, नाउन का इस्तेमाल नहीं करना। क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हमेशा
प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा किसका इस्तेमाल करोगे? प्रोनाउन का। नाउन कभी नहीं आया कभी। अब दूसरी चीज आप देख पा रहे हैं, मैंने इज नॉट नहीं लिखा, इजंट लिखा है, अगर आप यहां ध्यान दे पा रहे हैं। मतलब क्या, फोर्थ पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकती हूं हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। ये क्या होती है इसको भी बताती हूं अभी। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का इस्तेमाल करें क्वेश्चन टैग में। तो जब भी आप क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। क्या होती है बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, देखिएगा जरा। अगर मैं बात करूं किसकी, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की, तो इज या एम या फिर आर होगा। और अगर इसके साथ नॉट आप लगाते हैं तो इज नॉट का क्या हो जाएगा? इजंट। और इन दोनों का हो जाएगा बेटा आरंट। ध्यान रखिएगा, एम नॉट का भी और आर नॉट का भी। बहुत बार यहाँ से पेपर फंसता है, इस पॉइंट से हमेशा पेपर फंसता है। और जब नहीं जानते होगे तो गलती कर दोगे। जैसे डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट, हैव नॉट का हैवंट, हैज नॉट का हैजंट, विल नॉट का वांट, शैल नॉट का शांट, कुड नॉट का कुडंट, कैन नॉट का कैनॉट, कैंट, इस तरीके से शुडंट। तो आपको ये जो फॉर्म लिखते हैं ना, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। उम्मीद कर रही हूँ ऐसी बातें समझ आई होंगी। एक बार रिपीट कर देती हूँ, है ना। ये आपको पॉइंट्स जो यहाँ पर आपने लिखे, जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, है ना, ये पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि सेंटेंस अगर क्वेश्चन टैग गिवन है तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग एंड सेंटेंस सेम टेंस में होगा। क्वेश्चन टैग अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सेंटेंस जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो क्वेश्चन टैग प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। मतलब दोनों जगह पे सेम टेंस आएंगे, टेंस को चेंज नहीं करना। अगर सेंटेंस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने टेंस वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें ताकि आपको टेंस क्लियर हो जाए। और अगर आपको वर्ब अच्छे से समझना है, वर्ब में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो आप चैप्टर नंबर 1 से शुरू कीजिए। ग्रामर को 80-85 मार्क्स का है। अगर बात करूँ मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की या नरेशन की बात करूँ तो वो आपका 48-52 मार्क्स का प्री और मेंस में आता है। इसका मतलब 1/4 मतलब 25-30% आपका क्या बैठा है? एक्टिव पैसिव और नरेशन। चार हिस्सों में अगर बांट दिया जाए इंग्लिश को तो 50 मार्क्स आपका क्या लेके बैठा है? एक्टिव पैसिव और नरेशन। इसलिए हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमारे लिए पढ़ना क्या हो गया? ज़रूरी हो गया। मैं से उम्मीद कर रही हूँ आपसे, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का, जो नाउन की जगह पर आते हैं। इतना समझ लो, अलीशा मैम की जगह आई, आप सब की जगह यू, हम सब की जगह वी, उन सब की जगह दे, इसकी जगह ही और इसकी जगह शी। क्लियर है मेरी बात? तो वहाँ पे हम प्रोनाउन लगाएंगे। हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का इस्तेमाल करें क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में हमेशा किसका इस्तेमाल? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है? इज नॉट मतलब इजंट, एम नॉट आर नॉट मतलब आरंट, डू नॉट मतलब डोंट, इस तरीके से। अब फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ाती हूँ क्लास को। तो देखेंगे थोड़ा सा आगे, और मैं आज की क्लास में आपके लिए दो होमवर्क भी दे रही हूँ, और ये समझ लो आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आगे जो मैं पढ़ाऊँगी, जहाँ तक आज मैं एंड करूँगी, ये बेसिक था आपका आज।
जो इंट्रो पढ़ाया है, इसके बाद धीरे धीरे करके क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा। देखिएगा, ही टीचेस इन स्कूल, वो पढ़ाता है स्कूल के अंदर। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला काट सकते हैं आप। अभी टीचेस बेटा V1 प्लस एस या ES है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट डेफिनेट है, अभी पॉजिटिव है, तो आपका यहाँ पर नेगेटिव बनना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया। डेड तो आ ही नहीं सकता ना बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा था सेम टेंस होना चाहिए और ये तो सेम टेंस है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डजंट ही, कि वह स्कूल में पढ़ाता है। क्या नहीं पढ़ाता? डजंट ही। क्लियर? सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। तो मैंने नेगेटिव देखा, नेगेटिव देखा मतलब हो सकते हैं, तो पॉजिटिव वाले काट दिए। अब टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, V1 प्लस एस या ES है, तो आप डिड तो नहीं लगाओगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या आता है? डू या डज आता है। ठीक है, डिड तो आपको पास्ट को शो करता है, तो इसलिए आपके ये दोनों ऑप्शन कट गए। आगे देखते हैं। पायल हैज़ नॉट गिवन मी एनी इन्फॉर्मेशन, पायल ने मुझको कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। हैज़ और हैज़ के बाद वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सेंटेंस हमारा कैसा है? नेगेटिव है। देखो क्या बैठा है? नॉट। इसका मतलब पॉजिटिव वाले हमारे आंसर होंगे, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इसका मतलब जो नेगेटिव वाले वो कट गए, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव ये भी है और पॉजिटिव ये भी है, और अभी मैंने बोला अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जिस टेंस में होगा वही टेंस इस्तेमाल होगा, सेम टेंस के अंदर आपने यहाँ बनाया है। बट यहाँ पर एक बात और पढ़ाई थी कि आपको नेम देगा तब भी आप क्या लगाओगे? प्रोनाउन। नाउन नहीं आता, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। इसका मतलब ए ऑप्शन भी कट गया। शी हमारा क्या है? एक प्रोनाउन है। पायल की जगह पर शी आएगा, मतलब यहाँ पर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब एक बार नाम आ जाता है तो दोबारा नाम इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई एम गोइंग टू गिव माय इंट्रो, किसी को भी, जिसको भी हम दे रहे हैं इंटरव्यू, इंट्रो दे रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? माय नेम इज़ अलीशा, आई एम अ फैकल्टी। माय नेम इज़ अलीशा, अलीशा के बाद आपने आई लगाया। आई टीच इंग्लिश, आई टीच कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, वेदर इट इज़ सी बैंकिंग, एनीथिंग एल्स। सो आई, देयर वॉज अ क्रो, ही वेंट हियर एंड देयर, या इट आप लगा लीजिए। ये मैंने बोला देयर वॉज अ किंग, फिर आप ही लगाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए जब सबसे पहली बार इस्तेमाल किया जाता है तब नाउन आता है बेटा, उसके बाद कहीं पर भी नाउन नहीं आता, हमेशा प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पर पायल एक बार नाम आ चुका है, तो पायल 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 बार बार नहीं बोलोगे। पायल एक लड़की है और लड़की के लिए शी आता है, इस वजह से। उम्मीद करी हूँ यहाँ तक समझ आया होगा, क्योंकि एक बार नाउन आने के बाद नाउन की जगह पर प्रोनाउन आता है, ये बात तो पढ़ चुके हो ना, आफ्टर नाउन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर, ये है आपके मेंस के दो क्वेश्चन दिए हैं मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और मैंने यहाँ ब्लैंक दिया है। ये सेंटेंस है और ये आपके सेंटेंस है और ये ब्लैंक है, आपको यहाँ फिल करना है क्या आएगा। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और मैं बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी किस पर, इन दोनों क्वेश्चन पर, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेंस, और यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। और मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से पेश करूँगी, पेपर में पूछा कैसे जाता है, मैं उसको भी बताऊँ, उस पर भी चर्चा करूँगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट क्लास को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूँगी आपसे कि आप रेगुलर हो जाइए, ईमानदारी से पढ़िए, और देखिएगा दिल्ली फिर दूर नहीं होगी और SSC बहुत पास दिखने लगेगी, और जो आपने सपना देखा है
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या क्राइम ब्रांच के अंदर जाने का, या आईबी की बात करें, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, तो जो भी हमारी मिनिस्ट्री मंत्रालय के अंदर घुसने का, मिनिस्ट्री के अंदर घुसने का, सबसे एंट्री लेने का, अपनी एक जगह बनाने का अफसर रूप में, क्लास बी अफसर, क्लास सी अफसर जो लगते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का। आप उसकी तैयारी कीजिए और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं मेरे साथ, आलिशा मैम, इंग्लिश फैकल्टी, यहाँ से आप इंग्लिश की तैयारी कीजिए और आप देखेंगे आपका एग्ज़ाम में आपको बहुत कुछ आता होगा। मैं आपको ये उम्मीद देती हूँ कि इस हद तक हम क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं। हमेशा कहती हूँ और आज फिर से कहूँगी, एग्ज़ाम हमारे साथ खेलेगा या हम एग्ज़ाम के साथ खेलेंगे, ये निर्भर करेगा हमारी तैयारी पर। अगर हम एग्ज़ाम के साथ खेलेंगे, इसका मतलब हमारी तैयारी बहुत पुख्ता है, तैयारी बहुत शानदार है, और अगर एग्ज़ाम हमारे साथ खेलेगा तो बहुत तकलीफ़ होने वाली है बेटा। तो वो बाद की तकलीफ़ ना हो, उसके लिए आज तकलीफ़ ले लो। क्यों? जितना बड़ा मकसद होगा, जितना बड़ा आप सपना देखोगे, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें भी उठाने पड़ेंगी, उतने ज़्यादा ताने भी सुनने पड़ेंगे। अगर आपने सपना देखा एक अफसर बनने का, तो घर वाले कहेंगे 3-4 साल 5 साल में कि इसके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। आपको चुपचाप उसको सुनते रहना है और दिमाग में रखना है। क्या इसलिए नहीं कि मुझे ऐसा बोलते, आपको उनको गलत साबित करना है। जब लोग आपके खिलाफ होते हैं और आप तैयारी कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उस समय पर आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही आपको आपकी सफलता से मिलेगी, और सफल वही होते हैं जो असफलताओं का सामना करते हैं। टुडेस क्लास इज स्टिल हियर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ साउंड डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। खूब अच्छे से इंजॉय कीजिए, मन लगा के पढ़िए, खुशी खुशी पढ़ोगे, सारी चीज़ें यहीं पर समझ आ जाएंगी। और अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।